विकास, सशक्त नारी से ही बनेगा भारत खास। इसी के साथ नमस्कार माननीय अतिथिगण, अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हमारे समाज का न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य भी तय करेगा, सशक्त महिला, सशक्त भारत। अब आप सोच रहे होंगे कि सशक्त शब्द का असल मतलब क्या है, तो इसका अर्थ सिर्फ आर्थिक या शारीरिक शक्ति से नहीं है बल्कि मानसिक, सामाजिक और नैतिक रूप से मजबूत होने से भी है। तो इसके अनुसार तो महिलाएं सुपर वुमेन बनकर हर काम कर ले, या फिर सबके कहे अनुसार एक हाथ में लकी देखकर और दूसरे हाथ में लैपटॉप पर मीटिंग करें। जी नहीं, इसका मतलब है कि उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आज़ादी हो, चाहे वो फिर उनके घर से जुड़े हो, अपने करियर से जुड़े हो या फिर उनके अपने सपनों से, वो किसी की अप्रूवल की मोहताज नहीं हो। अब बात करें हमारे देश की, तो हमारे देश की परिभाषा भी सशक्त महिला के बिना अधूरी है। हमारे देश की संस्कृति महिलाओं को धैर्य, समर्पण और साहस की मूरत कहा गया है। हमने यहाँ माता सीता का धैर्य, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, इंदिरा गांधी का नेतृत्व, कल्पना चावला और न जाने कितनी महिलाओं की उपलब्धियाँ देखी हैं। इन महिलाओं ने साबित किया है कि अगर कोई महिला ठान लेती है ना, तो वो अपने ग्रह नक्षत्र तक हिला सकती है। कल्पना चावला तो सच है। इन महिलाओं ने साबित किया है कि एक सशक्त महिला ही सशक्तिकरण के लिए, सिर्फ एक सशक्तिकरण के लिए सिर्फ शारीरिक ताकत की जरूरत नहीं होती, उसके साथ मानसिक ताकत की भी जरूरत होती है। याद नहीं है। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी महिलाएं स्पोर्ट्स, ओलंपिक, राजनीति, विज्ञान हर जगह अपना लोहा मनवा रही है। आप सब जो यहाँ बैठी महिलाएं हैं, आप सब सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। आप सब में ये शक्ति है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें और एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। लेकिन क्या हम आज पूरे तरीके से कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो चुका है? जी नहीं, क्योंकि आज भी कई महिलाएं हैं जो समाज की रूढ़िवादिताओं से जूझ रही हैं, वो आज भी अपने सपने पूरे नहीं कर पा रही हैं। हमें देखने को मिलता है कि आजकल कई महिलाएं महिलाओं की दुश्मन बन चुकी है। घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं अपनी बहु बेटियों को आगे बढ़ाने की जगह उनके पर काटने में लगी है। वो उनके ऊपर नियम बनाती है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। ये सब को रोकने के लिए सबसे प्राथमिक इलाज है शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और सख्त कानून। इस पहल में भारत सरकार ने भी योजनाएं जारी करी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, स्वयं सहायक समूह, जो इनको आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दे रही है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि एक महिला जब आगे बढ़ती है तो पूरा समाज, पूरा परिवार, पूरा राष्ट्र प्रगति करता है, सशक्त बनता है। इसके लिए अतः महिला सशक्तिकरण के इस मिशन के लिए हर लड़की मेरी तरह तैयार है, स्टाइल में भी, स्माइल में भी।